फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि हम अपने इस गवर्नमेंट टैब में यूट्यूब कैसे चलाएं। बहुत से कह रहे हैं कि हमारे वन यू आई होम में नोटिफिकेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा या हमारे टैब में सर्चिंग वाला ही आइकन नहीं आ रहा। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप यूट्यूब कैसे चलाओगे, इस बारे में आपको बताऊंगी कि सर्चिंग का ऑप्शन कैसे आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओपन करने के बाद हम इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद ही इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, सेटिंग के ऑप्शन पर जाएंगे। सेटिंग के ऑप्शन पर एक आएगा डिवाइस मेंटेनेंस, यहाँ से देखिए थर्ड वाला है डिवाइस मेंटेनेंस, इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको मेमोरी पर क्लिक करना, मेमोरी पर क्लिक करना। उसके बाद एक्सक्लूडेड एप्स पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर आपको थोड़ी सी नीचे दिखेगा ये वाला स्टूडेंट कियोस्क, इस वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है। कर दिया। इस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन आ रही है, बट इस नोटिफिकेशन से नहीं चल रहा है टैब, देखो नहीं चल रहा है इससे, वो सिर्फ वन यूआई से ही चलता है अगर नोटिफिकेशन आती है तो आपको क्लिक करना है परमिशंस पे। परमिशंस पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आ रहा होगा फाइल्स एंड मीडियाज, इस पर ऑल फाइल्स भी आ रहा है नीचे, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद सी ऑल ऐप विद दिस परमिशंस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते के साथ ही अब आपको इस तीन आई ये दिख रहे हैं ना थ्री डॉट्स, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे लिखा रहेगा शो सिस्टम, तो इस शो सिस्टम पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएगा आपका एक ऑप्शन आएगा सिस्टम यूआई, ये देखिए ध्यान से देखिए इसको, सिस्टम यूआई से ही चलेगा आपका यूट्यूब, तो इस पर क्लिक कीजिए सिस्टम यूआई पे। इस सिस्टम यूआई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आए सी ऑल सिस्टम यूआई परमिशन, इस पर क्लिक कीजिए। बस आपको चलने वाला ये यूट्यूब। फिर इसके बाद नॉट अलाउड फोन, इस पर क्लिक कीजिए। फिर आप यहाँ पे आपका डोंट अलाउ होगा, अगर आपका अलाउ हो आप अलाउ पे क्लिक कर लीजिए। और जब आप डोंट अलाउ पे क्लिक करोगे तो आपका ऐसे लिखाएगा डोंट अलाउ एनी वे, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आपका जैसे मान के चलो कि अलाउ पे क्लिक है तो आप डोंट अलाउ पे कर दो, और आपको डोंट अलाउ पे पहले से है तो आपको अलाउ पे करना है, तो हम क्लिक करते हैं इस डोंट अलाउ एनी वे वाले ऑप्शन पे। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो टैब है वो बंद हो जाएगा, आपको घबराना नहीं है। हम आपका ऑन करके दिखाते हैं, ये देखिए अपने आप ये ऑन हुआ है। फिर ऐसे ऊपर करने के बाद एक ऑप्शन आएगा, ये देखिए डू नॉट डिस्टर्ब का, बहुतों का इधर भी आ सकता है इस जगह पे और इधर भी आ सकता है। इसको आप ध्यान से देखिए डू नॉट डिस्टर्ब, इस आइकन पे आपको प्रेस करके रखना है। फिर प्रेस करने के बाद ये ओपन होगा और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा एप्स का, एप्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस वाले पे नन लिखा रहा है, यहीं पर आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए एक ऑप्शन आ रहा होगा ऐड ऐप्स, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए काफ़ी सारे ऐप्स आ चुके हैं ना यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर सर्च करना है क्विक शेयर वाला। ये देखिए क्विक शेयर वाला ऑप्शन नीचे, मेरे में बहुत नीचे, आपके में ऊपर भी हो सकता है। क्विक शेयर ध्यान से देखना, ये देखो आ गया मेरे में क्विक शेयर वाला, सबके टैबों में आएगा ये, इस पर क्लिक कर देना क्विक शेयर वाले पे। फिर उसके बाद इस वाले आइकन पे ना जो क्विक शेयर, इस पर आपको प्रेस करके रखना है। इस पर प्रेस रखने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है क्विक शेयर सेटिंग, इस पर आप क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो बैक करने वाला ना, आप एक बार इसे बैक कर दीजिए, पहले क्लिक कीजिए फिर बैक कीजिए। इसे बैक कर दिया। अब बैक करने के बाद यहाँ पर आ रहा है रिमूव एनिमेशंस, ये देखिए रिमूव एनिमेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अप्लाई इस पर हमने कर दिया है लार्ज डिस्प्ले पे, अब हम अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाई करने के बाद यहाँ पे लिख के आया है लार्ज डिस्प्ले, तो इसके बाद आप यहाँ से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, बैक वाले पे देखिए, इस पर क्लिक करते आ गया आपका सर्चिंग वाला। अब आप इस सर्चिंग वाले ऑप्शन से बहुत ईजिली यूट्यूब चला सकते हैं, तो इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। फिर प्राइवेसी पॉलिसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर आ रहा है प्राइवेसी पॉलिसी, इस पर फिर यहाँ पे आ रहा है प्राइवेसी पॉलिसीज पे क्लिक कीजिए। अब ये थोड़ा लोड हो रहा है, लोडिंग होने में टाइम लेगा, जिस हिसाब से आपके नेट की स्पीड होगी इस हिसाब से ये लोडिंग होने में टाइम लेगा। तो देखिए ये ओपन हो चुका है। इसके बाद आपको नीचे करना है, नीचे करने के बाद यहाँ पर दो लिंक आ रही है, इन दो लिंक में से आप किसी भी लिंक पर क्लिक कर सकते हो, दोनों से आपका यूट्यूब चलेगा। तो इस पर हमें क्लिक कर दिया फर्स्ट वाली लिंक पे। इस फर्स्ट वाली लिंक पे क्लिक करने के बाद थोड़ा ये टाइम लेगा लोड होने में। तो यहाँ पे मेरा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे जो नाइन डॉट्स है इस पर क्लिक कीजिए, अब आपका यूट्यूब चल जाएगा। सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, गूगल सर्च पर यहाँ पर आप टाइप करिए क्रॉक्सी प्रॉक्सी, देखो मेरे में लिखा आ रहा है क्रॉक्सी प्रॉक्सी, इस पर क्लिक कीजिए क्रॉक्सी प्रॉक्सी पर। फिर इसके बाद जो ये सेकेंड लिंक है ना द मोस्ट एडवांस सिक्योर वगैरह वगैरह, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा आ रहा है साफ साफ देखिए YouTube, आप यहाँ से YouTube, Instagram, Facebook सब कुछ चला सकते हो। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए YouTube पर, ये देखिए प्रॉक्सी इज लॉन्चिंग, अब हमारा जो YouTube है वो चल गया। ये देखिए लिंक लोड हो रही है ना, अभी ये लिंक कंप्लीट होते हमारा YouTube ओपन हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमारा जो YouTube है वो आ चुका है, ये देखिए देखिए, अब हम इजीली ही YouTube चला सकते हैं। और हाँ, YouTube ओपन होने के बाद ये सर्च वाला ऑप्शन आया, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप टाइप कीजिए वर्षा गौतम व्लॉग्स गो, वर्षा गौतम व्लॉग्स पर क्लिक करने के बाद इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, ये जो YouTube चैनल आ रहा है ना वर्षा गौतम लोग, इसको सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और मज़ेदार वीडियोस के लिए। बन के हो चुके, आप जल्दी से इस पर सब्सक्राइब मारिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।